भगवान राम को लेकर चेतना को नए सिरे से जगाने की बात बीजेपी करती है, उस विचारधारा को आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी की विचारधारा में, बीजेपी की राजनीतिक आइडियोलॉजी में ये जो अयोध्या है ये गढ़ रहा है, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, कमंडल की भी राजनीति का। और देखिए, राम मंदिर आंदोलन का अगर ये केंद्र रहा है तो बीजेपी हमेशा कहती है कि भगवान राम राष्ट्र के भगवान है। बीजेपी ये कहती है कि हम राष्ट्र चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी कड़ी में चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो या फिर पॉलिटिक्स हो कमंडल की, ये सब का सेंटर रहा है। अयोध्या की अनदेखी अगर हुई बहुत वर्षों तक, दशकों तक, तो उसकी वजह ये भी थी कि मौजूदा पॉलिटिक्स जो हमने देखा, अगर आप पूरे उस दशक को उठा लें लगातार आजादी के बाद से, और खास तौर पर जब बीती सरकारें रही, तो बीजेपी ने हमेशा इस मुद्दे को आगे रखा। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद बहुत ज्यादा चुनावी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। जो राम मंदिर आंदोलन से एक पुश मिला था बीजेपी को, वो पुश थोड़ा सा खिसक गया, पीछे चला गया राजीव गांधी जी की हत्या के बाद। ऐसे में लोग ये बहस करने लगे कि राम मंदिर से चुनावी फायदा नहीं होता है, सियासी फायदा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में से फिर डाला। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जोश, बताइए। तो लोगों में जोश बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस अयोध्या नगरी की हम लोग बात कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर आप देखें तो जो संघ की विचारधारा थी, जो हिंदू संगठनों का पूरा उद्देश्य रहा है, उनकी विचारधारा, उसको एक तार्किक परिणति तक ले जाना, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की तमाम कोशिशें की। 2014 के बाद से ही हम आपको दिखा रहे, एक बार नजारा देखिए। एक तरफ है लल्लू सिंह जो कि उम्मीदवार है बीजेपी के, और एक तरफ है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरता हुआ रामपथ पर, ये मुझे लगता है कि अब हम लोग, ये दिखा दीजिए जल्दी से हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी अगर आप दिखा सकते हैं एक बार दिखा दीजिए, हनुमानगढ़ी ऊपर में ये देखिए हनुमानगढ़ी, और यहीं से गुजरता हुआ अब ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएम बहुत करीब से जब वो रोड शो करते हैं मोदी मोदी के नारों से, भगवा साफों से गूंज रहा है आज ये नगर, ये अयोध्या नगरी। ये देखिए ना, ये देखिए, ये जोश और उत्साह से दिख रहा है लोगों में। भगवान राम की तस्वीरें भी लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनवसिंग तो कर रहे हैं आज यहाँ पर लल्लू सिंह के लिए, लेकिन ये बड़ा संदेश है जो तमाम सीटों के लिए बीजेपी दे रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और एक बार यहाँ का नजारा दिखाइए, यहाँ का नजारा, ये नजारा। लोग सजा रहे हैं और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी लोकप्रियता यहाँ पर ऐसी है कि जो आप देख ही रहे हैं लोगों के सिर चढ़कर कैसे बोल रही है, ढोल नगाड़ों की गूंज है जो साथ साथ चल रही है, सर पे भगवा साफा है लोगों के, और वो सभी दुकानों से अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। आइए चलते हैं, जो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, ये नजारा आपको दिखाते हुए समर्थ और अभिषेक भी हैं, क्योंकि आज तक हर जगह से, हर मोड़ से प्रधानमंत्री के इस रोड शो को कवर कर रहा है। एक बार फिर से नजारा दिखाते, ये देखिए अभिषेक, अब एक बार आपके पास आते हैं, आपके पास चलते हैं ये जानने के लिए कि वहां पर
जो लोग हैं, आपने देखा वहीं पर आप मौजूद थे जहां से रोड शो शुरू हुआ, आगे बढ़ रहा है, लोगों में एक बहुत उत्साह है और ये धर्मनगरी के लिए इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने ऐसी उदासीनता देखी थी कि आज जो समृद्धि की कहानी यहाँ पर पटकथा लिखी जा रही है वो उनके जीवन को नए सिरे से एक पहचान देता है और ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है यहाँ पर। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, कभी विरह की नगरी कही गई थी अयोध्या, और हम लोगों को याद है कुछ साल पहले जब अयोध्या आते थे तो अयोध्या में किस तरह की विरह का दृश्य हुआ करता था, आपको बिल्कुल मायूसी दिखती थी, लेकिन अब एक वाइब्रेंट सिटी के तौर पर, शहर के तौर पर उभर रही है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, आप देखे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं आप? जम्मू कश्मीर से। तो दर्शन हुए और मोदी जी के को दिखा? राम जी के दर्शन किए हैं लेकिन मोदी जी के दर्शन नहीं हुए। तो अभी रास्ते में गुजरे हैं जी, 5 बजे से खड़े हैं, मोदी जी को नहीं देखा अभी। अरे अरे, आपने, आप लोगों ने देखा? हमने गाड़ी में देखे हैं, उनकी टोपी और मुंह दिखाया हमें। अच्छा। बस क्या दर्शन हुए? अयोध्या कैसी लगी आप लोग? अयोध्या तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मंदिर के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे। अयोध्या का मंदिर नया बना है तो अब कैसा है, पहले आप लोग? बहुत अच्छा बना है। कहाँ से आई हो? उत्तर प्रदेश से? मिर्जापुर से आए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हम कई लोगों से हम बात करेंगे अंजना। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, इस वक्त यहाँ से तो प्रधानमंत्री का काफिला गुजर गया है, लेकिन लोग जो हैं वो जरूर इस आज के रोड शो को देखने के लिए घंटों तक खड़े रहे। कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा। रोड शो देखा? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या नगरी कैसी लगी, शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज तो हम आए हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो आप लोग रुक गए थे इस रोड शो देखने के लिए? हाँ, देखे मोदी जी, देखे योगी, दिखे? हाँ दिखे। तो अंजना देखिए, चारों तरफ जितने भी युवा हैं, लोग हैं, वो सब इस रोड शो के लिए रुके थे, और आज का ये रोड शो इसलिए भी खास कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अयोध्या नगरी से गुजरता हुआ। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े गए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष, वहाँ का नजारा दिखाइए एक बार, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ का नजारा दिखा दीजिए भाई, जबरदस्त। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक पीएम को देखने का उत्साह, उनकी लोकप्रियता। पीयूष, जहाँ पर आप मौजूद हैं, हम तो पीएम के इस रोड शो में उनके आगे वाली गाड़ी में चल रहे हैं, लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आस्था की नगरी में जहाँ आप मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अंजना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ और कुछ देर बाद जब वो हनुमानगढ़ी के पास पहुंचा तो उस वक्त लोगों में जोश की जो है काफी ज्यादा था। ना सिर्फ जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए नजर आए बल्कि प्रभु हनुमान की भक्ति में भी लोग सराबोर थे। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरे थे, और अभी भी जो है यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनकी आंखों में, कई लोगों की आंखों में आंसू तक थे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री आए और उनको देखने के बाद लोगों में जो जोश है वो देखते ही बनता है। देखिए कुछ यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने प्रधानमंत्री को देखा? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज वो पहली बार आए हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, किस तरह का लोगों में भाव है? अच्छा भाव है, सन आ चुके हैं वो अयोध्या, मोदी जी अयोध्या कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज जिस रूप में आए हैं बहुत ही अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि भारत का जो सम्राट हो ऐसा ही हो, और मोदी जी 100 साल तक राज करें। हाँ, जय श्री राम। सर, हम नेपाल से आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अब प्लस मोदी जी को देखने के लिए। हमने अपनी जिंदगी में लाइव पहली बार देखा। नेपाल से आए अपने भगवान राम के दर्शन किए, कैसे लगे आप? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा है। अब मोदी है तो मुल्की है सर, और सर्वोपरि राष्ट्र हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो सबसे अच्छा है। नेपाल जाके आप क्या बताएंगे? हम सबको बताएंगे। हमने भगवान का दर्शन किया, हमने लाइव मोदी जी को देखा। अब मोदी ऐसा नेता हर देश में होना चाहिए, ये हम गर्व से कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसे नेपाल में भी ऐसा होना चाहिए। आपने जब प्रधानमंत्री को देखा यहाँ पर तो आपके अंदर क्या भावना? भावना तो बहुत जागा सर, भावना तो बहुत गए उनको देख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए। कभी हुआ ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। आप अभी भी भावुक हैं क्या? अभी है। हाँ अभी भी भावुक हैं। बस इतना विकास किया है, पूरे देश को विकास किया जी, मंदिर बनाया 500 साल भगवान राम टेंट में रहे, मैंने टेंट में भगवान के दर्शन किए थे और आज आकर के भगवान के दर्शन मैंने मंदिर में किए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए अंजना, लोगों की भावनाएं देखिए, इन ये भावनाएं जो है कहीं ना कहीं बताती हैं कि कितना जुड़ाव, कितना लगाव लोगों को ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है बल्कि भगवान राम से भी है। और अयोध्या नगरी तो राम में है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के सेरेमनी के बाद आए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप अयोध्या के रहने वाले? नहीं नहीं, मैं वाराणसी से आया हूँ और इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो 400 पार कहा जा रहा है, हमको लगता है 400 से काफी आगे जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व इस भारत को मिला हुआ है कि घर घर के अंदर कहीं से भी किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये व्यक्ति चोर है या व्यक्ति कहीं से बदमाशी कर रहा है, जैसा कि विपक्षी प्रचार कर रहे हैं, ये कहीं पाया ही नहीं गया है। आप किसी भी नागरिक से भी देखेंगे, सभी मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, उनके विकास की चर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं देखिए वाराणसी से, वो मेरा संसदीय क्षेत्र के हमारे चाम को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ, मैं अयोध्या नगरी में खड़ा हूँ और मैं यहाँ का विकास, मैं बचपन में भी यहाँ आया था, 10 साल पहले भी आया था और करीब अब मैं 10 साल के बाद में आ रहा हूँ। काफी बदलाव, क्या बदलाव आपने देखा यहाँ पर? देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य नजारा है। एक बार थोड़ा सा कैमरा टर्न करके ये दिखाइए, ये जो खास भगवान राम के तिलक वाला थीम है, जिस पर पूरी साज सज्जा की गई है, ये इस अंदाज में पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। जगमग जगमग जैसे आज पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं यहाँ का नजारा और यहाँ पर